चलिए विशेष सिंह आप सारे बच्चे अच्छे हो और प्रेम पाल सारे बच्चे को बहुत बहुत गुड इवनिंग सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और सारे बच्चे आई होप सीख रहे हैं मेरे से और बेहतर क्लास के लिए आप पूरा फाउंडेशन क्लास अगर बेहतर चाह रहे हो तो आप नंबर पे कॉल कर लो एक बार जो नंबर दिया जा रहा है जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके जो भी बेहतर क्लास हो आप बच्चे ले सकते हो धीरे धीरे आप सारे बच्चे जो भी कल में पढ़ाया था टेंस का क्लास चल रहा था और टेंस में कहाँ दिक्कत था आपको हमने आपसे हर दिन पूछा है और आज भी पूछ रहा हूँ कि टाइम एंड टेंस को टाइम एंड टेंस की तरह नहीं बल्कि आप प्रैक्टिकल में पढ़ो अंग्रेजी सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है ग्रामर का प्रैक्टिकल तरीका होना चाहिए कोई भी चैप्टर पढ़ो चाहे नाउन हो चाहे प्रेपोजिशन हो चाहे कंजंक्शन हो चाहे टेंस हो चाहे वॉइस हो चाहे नरेशन हो कोई भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ तो कोशिश रह, रह, रहती है मेरी कि आपको आपके स्तर पर जाकर के बिल्कुल बेसिक टू एडवांस देना और मैं कोशिश करता हूं कि आपको सबसे पहले बेसिक सिखाऊं, क्योंकि आपके पास जहां भी समस्या है वो बेसिक की समस्या है तो हमने दो दिन आपको टेंस बताया था और आपको ले चला था आगे एक, एक मेरे स्टूडेंट हैं विशेष सिंह विशेष कुमार वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं बैसवैस कुमार अखिलेश यादव अलकेश यादव अखिल बहुत बढ़िया तो सारे बच्चे बहुत अच्छे आप सब हो बहुत अच्छा पढ़ते वो तरह जवाब भी देते हो बहुत बच्चों अच्छा ने कमेंट का जवाब भी दिया बहुत अच्छा लगा मुझे जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब भी आप देते हो तो जो मैं पढ़ाता हूँ आप उसका काफ़ी बेहतर जवाब देते हो और बहुत बच्चों ने स्पोकन चैनल पे जाकर के काफ़ी स्पोकन अच्छा सीखा है तो जो डीएसएल स्पोकन चैनल है आप वहां भी जाते रहें जो डीएसएल एस वो कैदरी चैनल है वो कैब भी सुने क्योंकि आपके लिए अलग अलग जो चैनल बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि ताकि उस चैनल पर जाकर के हर चीज़ आपको सेपरेटली मिले राइट अब इस तरह से जो भी चीज़ पढ़ोगे जैसे हमने कहा था टाइम एंड टेंस अभी मैं वापिस आ रहा हूं टाइम एंड टेंस का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कल हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे टाइम एंड टेंस से संबंधित और आपने बताया था और हमने वहां से पढ़ाने का प्रयास किया था तो आप सभी को जवाब देना है हमेशा तैयार रहना है अब एक क्वेश्चन है कि आपको हमेशा सोचने का प्रयास करना है आज मैं क्लास का स्टार्ट एक क्वेश्चन से करूंगा और वो क्वेश्चन होगा एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा और मैं जानता हूं कि आप उसको बता देंगे जैसे बोलूं कि मैं अंग्रेज़ी बोलना जानता हूँ यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं और यही आपको बनाना है मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं क्लास का स्टार्ट करता हूं मैं तब तक आप इसको बनाते रहें मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं तब तक मैं आपका कमेंट देख रहा हूं इसको आप बनाइए मुझे कमेंट का जवाब दीजिए कि यहाँ से इसका अंग्रेजी ये होगा सर न्यूज सारा चीज पढ़ा दूंगा मैं आपको अभी मैं आपको आज का जो क्लास सेशन है वो आज एक क्लास आपको सिखाने का है आई एम फ्रॉम हजारीबाग कैलाश यादव जी हजारीबाग से हैं बहुत बढ़िया आपका स्वागत है जयदीप प्रदीप यादव सर सम नहीं समझ पाते हैं कोई बात नहीं स, देखो आप नहीं समझ पाते जितेश कुमार जो भी बच्चे हैं नहीं समझ पाते तो आपको आपके लिए मैं एक बहुत ही बेसिक बुक तैयार कर रहा हूं जो करीब तीस से आ, पचास पेज के आसपास होगा जो बहुत ही बेसिक किताब है दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं जो उस किताब को पढ़ने के बाद ना समझ पाए तो मैं दस दिन का आपसे टाइम ले रहा हूँ दस दिन का वेट करो मैं एक बहुत बेहतरीन किताब लिख रहा हूँ और उस किताब को मैं आपके तक आपके पास पहुंचाऊंगा कुरियर करवाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल का बुक होगा उसका नाम ही रखा वॉल्यूम जीरो बिल्कुल जीरो लेवल का किताब होगा तीन किताब निकाल रहा हूं बेसिक के लिए वॉल्यूम जीरो वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू ये तीन किताब निकाल रहा हूं आपके लिए वो तीन किताब आपको दस दिन में बन के तैयार हो जाएगा एक किताब तो तैयार हो गया है दो किताब और एक किताब प्रिंटिंग पे जा चुका है और एक किताब मैं लिख रहा हूं अभी वो दस दिन वो भी तैयार हो जाएगा ऑलमोस्ट हमने उसको फिनिश कर दिया टच कर दिया वो बेसिक किताब होगा आप मुझे दस दिन बाद याद दिला देना कि सर धर्मेंद्र सर वाली वो बेसिक किताब कौन सी थी जो मुझे लेना था तो बिल्कुल जीरो वाला था बेसिक किताब तो आप ये मत घबराओ कि सर आपको अंग्रेजी नहीं आती है हिंदुस्तान का कोई बच्चा नहीं बचेगा कि वो डीएसएल का बुक्स ले देखो डीएसएल में टोटल अगर आप फाउंडेशन पढ़ते हो तो फाउंडेशन में लगभग नाइन टू ट नौ से बारह किताबें हैं तो नौ से बारह किताबें हैं पूरा राइटिंग स्किल्स लेकर के तो बारह किताबें आपको जो है पूरा का पूरा आपको मिल जाता है नंबर पे कॉल कर लेंगे पूरा बारह किताब आपको घर भी अभी तैयार है रेडी है वो वो बारह किताब तैयार है वो घर पहुंच जाएगा बारह या मुझे ध्यान नहीं नाइन भी हो सकता है ऐसा मत आप परेशान होना कितना है नौ से बारह के बीच में होगा नौ से कम नहीं होगा नाइन बुक्स होंगे वो हो गया उसके साथ साथ क्या है तीन बुक अलग से तैयार करवा रहा हूं वो स्पोकन का होगा और एक बुक बिल्कुल बेसिक का होगा बिल्कुल जीरो लेवल का तो वो किताब आप जरूर लेना आपको इंग्लिश आती है तो मत लेना आप लेकिन जिन बच्चों का इंग्लिश थोड़ा सा पुअर होगा वो जरूर लेना आ, पचास साठ पेज के आसपास का होगा वो मैं राइटिंग कर रहा हूं अभी तो वो आपको दस दिन में ऑलमोस्ट प्रिंटिंग हो जाएगा तो वो कल तक राइटिंग चलेगी उसकी उसके बाद आपके पास जो है पहुंचने में पंद्रह बीस दिन तो लग ही जाएगा ऑलमोस्ट तो आपको घबरा नहीं सारे बुक्स आपको भिजवा दूंगा तो जो बच्चे हैं हमने इसका अंग्रेजी पूछा है मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं मैं आपका इंतजार का वेट कर रहा हूं कि आपने जवाब दिया है इसका है ना तो इसका जवाब जरा सा मैं चेक कर लूँ आपने क्या जवाब दिया है आई नो टू स्पीक इंग्लिश आई नो स्पीक इंग्लिश आई नो टू स्पीक इंग्लिश बहुत बढ़िया uh, जवाब का आया है विवेक कुमार आई नो टू स्पीक इंग्लिश कविराज कुमार आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश आई नो हाउ टू बहुत बच्चे बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं काम एक है कौन है जी खुशबू कुमारी आई नो हाउ टू स्पीक खुशबू बहुत बढ़िया एक है आई एम थर्सडी फॉर नॉलेज आई नो स्पीक इंग्लिश बहुत बढ़िया एक है कुलदीप कुमार एम डी रेहान आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश एम डी रेहान बहुत अच्छा आई नो टू स्पीक बहुत बढ़िया ये हैं कौन शिवम कुमार शिवम कुमार आई नो हाउ हाउ का स्पेलिंग गलती कोई बात नहीं गलती जल्दी में हो जाता है आ, एक है स, कौन है जी ये स्वात सिरांक विवेक हर्ष विवेक गब्बर आई नो स्पीक दीपक सिन्हा आई नो स्पीक इंग्लिश दीपक कुमार दीपक कुमार सोनू कुमार ऑफिशियल गुजरात जिसन शेख बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जवाब ए हाँ सुजान डू आई नो हाउ टू स्पीक बहुत बच्चे अच्छा जवाब भी दे रहे हैं कुछ बच्चों का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है आ, कुछ बच्चों का जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं आई नो हाउ टू स्पीक कोबी, कोबी कुमार का जवाब ठीक है कृति यादव कृति यादव आई नो स्पीक टू इंग्लिश आई नो स्पीक टू स्पीक टू इंग्लिश पल्लवी पल्लवी भारती आई नो स्पीक इंग्लिश सजन कुमार आकाश आकाश कुमार किशन कुमार ये देखो आ, इसका जवाब देना है बेटा मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ अभी आप जस्ट आए हो क्या इसका जवाब देना है तुषार आई नो टू स्पीक इंग्लिश आई नो स्पीक इंग्लिश ये जवाब है नीक समेत चार चौधरी बौद्ध दीपक पल्लवी क्रेजी ये देखो कोबी जी आई नो हाउ टू स्पीक बहुत बढ़िया जवाब बहुत बढ़िया जिनका भी जवाब आई नो टू स्पीक इंग्लिश है यहाँ पे तीन आंसर आ रहा है मेरे पास एक आंसर आ रहा है आई नो टू स्पीक इंग्लिश और तीसरा जवाब है आई नो स्पीक इंग्लिश और एक और है आई नो टू स्पीक इंग्लिश और एक है आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश ये चार आंसर आ रहे हैं मेरे पास मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं किसको आ, राइट करूं चारों बच्चे ने प्रयास किया है लेकिन आपको दर्द तो होगा ही सही बताना पड़ेगा मुझे Uh, student study for career. I know to speak English. Dinesh Tiwari, uh, Arfi Tamanna. I know to speak English. Virat Vikram Raj. I know how to Sunny Nurani. आई नो हाउ टू शर्मा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश नेहा अच्छा जवाब दे रहे हो देखो आपका जवाब सबका सही है आ, समझ नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा दीपक राज कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्यों दीपक कोशिश करो बेटा मैं कल भी पढ़ाया था परसों भी कोशिश किया था ध्यान दीजिए यहाँ पे दो बातें करो दीपक आप समझिएगा दीपक कुमार समझिएगा बात को अमित यहाँ पे दो चीज़ समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे दो चीज़ समझिएगा बढ़िया समझा रहा हूँ कभी दिक्कत आपको नहीं होगा यहाँ पे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट समझिए आपको बड़ा मजा आएगा एक कॉन्सेप्ट है बच्चे कि जब भी आप अंग्रेजी बनाने का प्रयास करते हैं जब भी आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं समझने का प्रयास करते हैं तो आपके पास स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है अंग्रेजी बोलने के लिए समझने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए और वो स्ट्रक्चर बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले तो आप सबों को गुड इवनिंग नहीं किया हमने आप सबों को बहुत बहुत गुड इवनिंग एंड दिल्ली में आज जन्माष्टमी है आप तब सबों को हैप्पी जन्माष्टमी आज किशन कन्हैया का जन्मदिन है कल भी था तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों को बहुत बहुत प्यार आज बहुत मजेदार दिन है तो फिलहाल देखते हैं इसको तो हमने कहा सब्जेक्ट प्लस अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं एक सब्जेक्ट प्लस वांट या आप लगाते हो वांट्स ध्यान दीजिएगा प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदरवर्ड ध्यान रखिएगा अब यहां पे इसको मैं इतना दूर हटा देता हूं फिलहाल के लिए एक लिखता हूं सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नो या नोज़ प्लस अब ध्यान दीजिएगा कि नो का मतलब जानना और वांट का मतलब होता है चाहना अब ध्यान दो मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं रटना नहीं है मैं हमेशा आपको सिखाया हूं रट्टा मत मारो धर्मेंद्र सर कैसे टीचर हैं रटवाते नहीं धर्मेंद्र सर दिमाग में घुसाते हैं कॉन्सेप्ट देते हैं अब देखो ये वांट है और ये नो है बस ये आपको हिंदी आता होगा वांट का मतलब चाहना और नो का मतलब जानना तो चाहते तब हैं जब किसी भी चीज का अभाव होता है चाहते कब है जब चीजों का अभाव होता है जब चीजों का अभाव होता है तो प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट कहां से काम कर रहा है जब चीजों का अभाव चाहता हूं मैं तुमको चाहता हूं इसका मतलब तुम मेरे नहीं हो मैं कलम चाहता हूं कलम मेरा नहीं है मैं एक शर्ट चाहता हूं शर्ट नहीं है यानी जिस चीज का अभाव है मैं शर्ट चाहता हूं अगर शर्ट होता तो क्यों चाहता बस समझ पा रहे हो ना मैं मैं कर... लाल शर्ट चाहता हूं जो भी चीज आपको चाहिए चाहते हो मैं तुमसे मिलना चाहता हूं मैं वहां जाना चाहता हूं मैं पढ़ना चाहता हूं तो जिस चीज को आप चाहते हो तो जिस चीज को चाहते हो तो चाहने में क्या होता है अभाव मैं मिलना चाहता हूं जाना चाहता हूं हंसना चाहता हूं खेलना चाहता हूं तो चाहने में क्या है अभाव तो जहां पे अभाव होता है ध्यान दीजिएगा अभाव अभाव में हम टू का प्रयोग करते हैं और वर्ब आना चाहिए ध्यान दीजिएगा अगर वर्ब नहीं वर्ब के बदले यहां पे अगर न नाउन का प्रयोग कर दें, नाउन का तो नीचे में टू नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा अगर हम वांट के बाद टू लगाते हैं तो चाहिए अगर टू नहीं लगाते नाउन तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे टू नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा मुझे एक शर्ट लाल शर्ट चाहिए तो आई वांट टू नहीं आई वांट अ रेड शर्ट ध्यान दीजिएगा आई वांट अ रेड शर्ट समझ गए आई वॉन्ट रेड शर्ट क्या हो गया नाउन no, नो no. मैं वापिस आऊंगा अपने क्वेश्चन पे तो आई वॉन्ट रेड शर्ट ये क्या हो गया अभाव हाँ. मेरे पास लाल शर्ट नहीं था हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू गो पूरी चीज सीखिए आप आई वॉन्ट टू गो आई वॉन्ट टू गो तो आज मेरा पढ़ाने का मकसद क्या था कॉन्सेप्ट तो आई वॉन्ट टू गो मैं जाना चाहता हूं तो ये क्या हो रहा है अभाव हाँ. नहीं गया हूं आई वॉन्ट अ रेड शर्ट मुझे लाल शर्ट चाहिए लेकिन नो क्या है नो का मतलब है निपुणता नो का मतलब क्या होता है नो का मतलब जान का है मुझे जैसे मैं जानता हूं इसका मतलब भाव नहीं है निपुण मैं जो मुझे गाड़ी चलानी आती है मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है प्रिया अंग्रेजी बोलना जानती है वह खेलना जानता है मुझे साइकिल चलाना आता है बस समझ पा रहे हो मैं दौड़ना जानता हूं मुझे दौड़ना आता है या जानता हूं तो जहां पे जानता हूं उसका मतलब निपुणता को शो करता है और निपुणता जहां पे होता है वहां पे हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं अब हाउ टू का प्रयोग क्यों करते हैं भाई तो हाउ का मतलब कैसे यानी मैं तैरना जानता हूं तो कैसे तैरा जाता है मुझसे पूछो ना मुझे गाड़ी चलाने आती है तो गाड़ी कैसे चलाया जाता है मुझे पता है तो कैसे निपुणता तो जहां पे निपुणता का बोध हो परफेक्शन का बोध हो वहां पे हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं बच्चे हाउ टू का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त जैसे हमने सेंटेंस दिया था मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं सेंटेंस यही था ना नो अब देखो सेंटेंस ऊपर समझ में आ गया और आप सबको अब ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं ताकि मैं सेंटेंस जो लिखा था वो समझा दूँ हमने सेंटेंस दिया था कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं इसी का मैं पूछा था मैं अंग्रेजी बोलना बहुत बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है बोलना जानता हूं यही पूछा था मैं आपसे तो हमने कहा मैं जानता हूं ध्यान दीजिएगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश तो ये सेंटेंस हम लोगों का सही हो जाएगा इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके पास आना चाहिए तभी जा करके आप सीखो आज एक्चुअली क्या है देखो सिंपल प्रेजेंटेंस का झलक दिखाया था पिछले क्लास में तो सिंपल प्रेजेंटेंस के कितने स्ट्रक्चर कैसे बन सकते हैं वो सारे स्ट्रक्चर का झलक जब तक आप नहीं देखोगे ना मजा नहीं आएगा इसलिए मैं आपको वो स्ट्रक्चर का झलक दे रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंटेंस में कहां कहां प्रॉब्लम आएगा डिटेल क्लास तो पढ़ाऊंगा लाइव क्लास

मैं तुम्हें जानता हूं तो क्या बोलोगे आई नो हाउ टू नहीं आई नो यू जब तक वर्ब नहीं होगा ध्यान दीजिएगा जब तक ये वर्ब नहीं होगा तभी हाउ टू नहीं आएगा अगर नाउन यहां पे लगाओगे नाउन या कोई वस्तु लगाओगे तो हाउ टू नहीं आएगा ध्यान रखिएगा जैसे मैं तुम्हें जानता हूं आई नो यू ठीक है आई नो हाउ टू नहीं होगा हाउ टू तब लगाएंगे जब वर्ब होगा वर्ब ठीक है आई नो हाउ टू स्पीक आई नो हाउ टू डांस आई नो हाउ टू स्विम She She knows how to dance. She knows how how to to dance. swim. नहीं आ रहा है जल्दी बताइए मुझे बहुत है हो आप का, का जवाब दे दो तो मैं जानूं तो सिंपल तो प्रेजेंटेंस या कोई टेंस रहे हो। और वो सेंटेंस है बहुत ही सिंपल बहुत सिंपल तरीके से मैं पूछ रहा हूं आपसे और वो क्वेश्चन है आप सिखाऊंगा भी मैं पढ़ता तो हूं मैं पढ़ता तो हूं आपसे पूछ क्यों रहा हूं जल्दी से जवाब दीजिए मुझे मैं पढ़ता तो हूं। कितना सिंपल पूछा हूं मैं पढ़ता तो हूं जल्दी से इसका जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी से जवाब दीजिए मैं पढ़ता तो हूं जल्दी जवाब दीजिए दीपक कुमार हा हा आदित्य हा। सिंह हा हा, हा� जल्दी <laughs> ज्योति सिंह ज्योति क्या बोल रही हो आ रहा है समझ में सर बहुत बढ़िया हिमांशु गौतम सर आई वॉन्ट टू टेल माई पास डेली रूटीन इन इंग्लिश बैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हिमांशु गुड इफर्ट बहुत सारा प्रयास करो ऐसे मुझे गर्व होता आप सबों पर हिमांशु कुमार बहुत बढ़िया कर रहे हो बहुत सुंदर हिमांशु कुमार गुड एंड वेरी गुड एक जवाब दिया अब इसका आई डू रीड आई डू रीड आई डू रीड आई डू रीड आई रीड आई डू रीड आई डू रीड बहुत बढ़िया सारे बच्चे ब्रिलियंट हो गए आप मुझे गर्व है एसपीनी परिमार आई डू रीड बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सबका जवाब सही है सबका जवाब सही हो रहा है सोनू कुमार सबका जवाब सही विशाल प्रतीक सबका अंकित कुमार राम सिंह सूरज अश्विनी सबका जवाब सही आ रहा है लेकिन एक दो का गलत हर्ष हर्ष हर भोला बोला आई स्टडी सर जय श्री कृष्णा सर जय श्री कृष्णा सबका जवाब सही हो रहा है बहुत सुंदर बहुत सुंदर चलो इसका जवाब तूने बोला आई डू रीड आई डू रीड बहुत बढ़िया इसका जवाब आपने सही दिया है इसका जवाब बिल्कुल सही आई डू रीड क्यों होगा ऐसा मैं पढ़ता तो हूं इम्फेटिक है तो जहां इम्फेटिक होता है वहां में डूटे लगाते पढ़ाऊंगा जस्ट अभी जहां एक जवाब और दो मैं पढ़ता ही पहता ही तो हूं मैं पढ़ता ही तो हूं चिल्ला कर नहीं बोलते पढ़ता ही तो है पढ़ते ही तो है यार वो रोती ही तो रहती है रोती ही तो है मैं पढ़ता ही तो हूं। इसका जवाब दो बहुत मजा आएगा सिंपल प्रेजेंटेंस मैं पहता ही तो हूं। इसका जवाब दे दो जा। जल्दी से आयुष टू रीड गलत आयुष टू कौन जवाब दिया है श्रेया श्रेया का श्रेया कास्त आयुष टू रीड गलत हो जाएगा बेटा आई डू रीड आई डू रीड देख लिया इसका जवाब दो इसका जवाब दो बाबू जल्दी से सर मेरा इंग्लिश में बीस आउट ऑफ ट्वेंटी आया कौन है जी दीपरंजन गुप्ता बहुत बड़ा दीपरंजन बहुत सुंदर आया तो बहुत तो अच्छे बेटे बहुत अच्छा काम करो आप बहुत सुंदर आई डू रीड इसका जवाब दीजिए मैं पढ़ता ही तो हूं मैं पढ़ता ही तो हूं इसका जवाब दीजिए जल्दी से मैं पढ़ता ही तो हूं इसका जवाब सबको दिख रहा है ना मैं पढ़ता ही तो हूं जल्दी फटाफट फटा आई मैं पढ़ता ही तो हूं फटाफट जवाब दीजिए समझ में नहीं आ रहा डीपी अजीत कुमार डीपी अजीत कुमार कोशिश करो बेटा प्रजेंटेंस है ताते थी नहीं पढ़ा था आई रीड टू रीड इट्स संजय संजय सूर्यम संजय सूर्यवंशी आई रीड टू रीड आई डू नथिंग बट स्टडी गोर्धन दंगी रोहित आई एम टू रीड आई एम टू रीड मैं पढ़ने वाला हूँ वो तो पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाऊंगा मैं आपको आई हैव टू रीड आई हैव टू रीड कौन जवाब दिया है द्वारिका द्वारिका आग्रिया द्वारिका आगारिया शिप्रा शंकर आई डी डिट आई डी पास होता है बच्चे शिप्रा, शिप्रा आई डी डीड पास होता है बच्चे अमन कुमार हाय सर हाउ आर यू आई एम फाइन एंड यू आई थॉट यू आल्सो फाइन बहुत बढ़िया मैं सर मैं एक मिनट एक मिनट कहाँ जा रहे हो तुम कहां जा रहे हो इंग्लिश मेरी क्या चल रहा है सर इंग्लिश में क्या इंग्लिश में टेस्ट भी चल रहा है सिंपल प्रेजेंटेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है और आज जन्माष्टमी है वही सब चल रहा है बहुत सुंदर आप देखिए यहां पे बहुत बच्चों जवाब अच्छा आया है अब देखो यहां पे मैं पढ़ता ही तो हूं क्या कॉन्सेप्ट कहता है भाई तो मैं पढ़ता हूं तो बहुत बच्चों का अच्छा जवाब आया है मैं पढ़ता ही तो हूं यह सेंटेंस जो है क्या कहता है वो समझिए बात अब दो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यह आंसर यहां पे आएगा अब देखिए बोर्ड पे एक स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड और सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट प्लस वी वन प्लस वर्ड ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट प्लस नथिंग बट प्लस वी वन प्लस ध्यान दीजिएगा पे पे अब यहां पे कहना क्या कह चाहते नथिंग बट का प्रयोग कब करोगे यहां पे बोर्ड पे ध्यान दो नथिंग बट का प्रयोग करोगे डूडल का प्रयोग तो जब सेंटेंस इम्फेटिक हो इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार हो सेंस आएगा तो है तो आप वहां पे डूडज का प्रयोग करना और अगर सेंटेंस का, तो तो का मतलब कि और कोई काम नहीं हो यानी कि और कोई काम नहीं हो और कोई काम नहीं हो जैसे आपका मित्र कहता मैं पढ़ता ही तो हूं वह रीता रोती ही तो है सीता सोती ही तो है जैसे तुम्हारा जवाब बहुत बच्चों का अच्छा आया है ए जवाब आया है नितेश सोनी का आई डू नथिंग बट रीड सर बहुत बढ़िया जवाब दिया है आई डू ऑल्सो रीड भी जवाब एक एक विराट गौतम का आया है सेंस पर सबसे सही होगा नरेंद्र राज का भी जवाब सही आया है नरेंद्र राज बिल्कुल सही जवाब दिया आपने आदित्य कुमार बहुत बढ़िया आई डू अबाउट टू रीड ये थोड़ा सा गलत हो गया है बहुत बढ़िया बहुत का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है तो आई डू नथिंग का रीड यहाँ पर आंसर हो जाएगा आई डू नथिंग बट रीड आई डू नथिंग बट रीड मैं पढ़ता ही तो हूं आई डू नथिंग बट रीड तुम खेलते ही तो हो यू डू नथिंग बट प्ले वह रोती ही तो है सी डज नथिंग बट क्राई या भी ठीक है वह नाचती ही तो है सी डज नथिंग बट डांस बहुत बढ़िया यहां तक जवाब का बिल्कुल सही था अगला देखते हैं गौर से यहाँ पे क्वेश्चन मैं क्या करा रहा हूँ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप मेरे साथ क्या करो कि सिंपल प्रेजेंटेंस का एक बार रिहर्सल करो आप उस रिहर्सल के दौरान क्या देखोगे कि आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये आइडिया लगेगा कि, कि किस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं राइट और किस तरह सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करते हैं एक सेंटेंस मैं आपसे बोलूं कि मुझे बहुत सोचे घर से जो आप स्पीकिंग अक्सर प्रयोग करते हैं मुझे पढ़ना है बहुत कितना सिंपल है मुझे पढ़ना है जैसे इसको बनाकर दिखाओ जरा मुझे पढ़ना है बहुत सिंपल आपको मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं और एक स्ट्रक्चर पे आप हजार सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो एक स्ट्रक्चर पर हजार से बना सकते हो मुझे पढ़ना है जल्दी जवाब दीजिए इसका मुझे पढ़ना है मैं आज आपसे बस बात करने आया था लेकिन मुझे लगा आज कुछ पढ़ा देना चाहिए मुझे पढ़ना है जहां दिखाइए तो क्या आपने बनाया है हाय सर हाय सर आई डू नथिंग आई डू नथिंग समझ में आ गया मुझे पढ़ना है जल्दी से मुझे पढ़ना है एक मिनट आई हैव टू रीड रोहित कुशवाहा आई 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 डू रीड हैव टू रीड आई हैव टू रीड आई हैव टू रीड आई हैव टू 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 रीड 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 आई आई है मलिक आतिफ सोनू बहुत बढ़िया फिरोज बहुत बढ़िया श्री अमन अभिषेक अभिषेक उपेंद्र आई हैव टू रीड उपेंद्र कुमार बहुत बढ़िया देखो बेटा आपका जवाब क्या है मुझे पढ़ना है देखो बोर्ड पे ध्यान दो मुझे पढ़ना है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू वी वन अदरवर्ड सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वी वन प्लस अदरवर्ड मुझे पढ़ना है यहां पर आप बना सकते हो इसको आई हैव टू रीड या बना सकते हो आई एम टू रीड ये दोनों सही होगा अब प्रश्न उठता है मुझे पढ़ना है अगर प्लानिंग है मुझे पढ़ना अगर प्लान चल रहा है तो आई टू रीड अगर मुझे पढ़ना है मजबूरी हो रही है तो आई हैव टू रीड यहां पे यह जो शो करता है वो प्लान को शो करता है और ये जो शो करता है वो कंपल्सन को शो करता है

I have to meet you. I am to meet you. राइट सी हैज टू गो देयर सी इज टू गो देयर तो सी हैज टू गो देयर सी इज टू गो देयर बोथ आर एब्सोल्युटली राइट दोनों बिल्कुल सही है बट आपको समझना क्या है कि दोनों सही है लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये शो करता है प्योर कंपलसन को मजबूरी को और ये शो करता है प्लानिंग को बेटा तो ये प्लानिंग को शो करता है तो आज मैं आपको क्या कोशिश किया हूं स्पोकन स्ट्रक्चर देने का इस स्ट्रक्चर के तहत आप काम करिए आज मैं जान बूझ करके शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं जल्दी में काम कर रहा हूं ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं बहुत सारे बुक्स आपके लिए लिख रहा हूं एक बेसिक बुक अभी आप परेशान मत करना फोन कर बुक के लिए आपको बुक मिलेगा आफ्टर टेन डेज अभी आपको किताब चाहिए पूरा डीएसएल का बुक्स चाहिए तो आप ये नंबर पे कॉल करिए आपको फाउंडेशन का बुक मिलेगा स्पोकन का बुक दस से बीस दिन के अंदर मिलेगा जो भी लाइव क्लास होगा उसका आप सीट बुक करा सकते हैं लाइव क्लास का लाइव क्लास किस डेट से अनाउंस होगा आप घबराना मत आपने जो भी एडमिशन लेना है वो सौ परसेंट क्लास आपको मिलेगा अभी आप लोग एडमिशन तो बुक्स आपको घर तक पहुंच जाएगा जल्दी में और लाइव क्लास बीस दिन पंद्रह दिन के अंदर आपके पास मिल जाएगा मैक्सिमम मान लो पंद्रह क्लास मिल जाएगा और वो आपको बता दिया जाएगा बस थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं दिल्ली सरकार का कि जैसे ही कुछ हो मामला तो मैं आपको क्लास दे दू और मैं बताऊंगा कैसे क्लास मिलेगा कैसे करना है आपको क्या कहां पर जाना है आप अभी चाहते हो लाइव क्लास में लेना एडमिशन तो आप लाइव क्लास में एडमिशन ले सकते हो आप अपना फोन नंबर इस नंबर पे कॉल करना है और आपको फोन नंबर कर करके बुक्स आपका लिखवाना है एड्रेस आपके पास बुक्स पहुंच जाएगा आप सीट बुक करा सकते हैं कि भाई मुझे इतने क्योंकि मैं लिमिटेड बच्चों को लाइव क्लास पढ़ाऊंगा स्पोकन भी और फाउंडेशन भी आपको दोनों क्लास चाहिए स्पोकन फाउंडेशन दोनों तो दोनों लाइव मिल जाएगा आपको बट आफ्टर टेन टू 15 डेज या तो वेट कर लीजिए या जल्दी में चाहते हैं तो वो ले लीजिए या फिर अभी तत्काल के लिए चाहिए तो वीडियो क्लास आपको मिल जाएगा जो रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है वो आपको फिलहाल मिल जाएगा डी एस एल इंग्लिश ऐप पर तो वहाँ भी जाकर के आप काम कर सकते हैं देख सकते हैं जैसे भी हो नंबर पे कॉल करिए जहाँ भी परेशानी हो मुझसे बात करिए मैं धर्मेश सर हमेशा तैयार हूँ बात करने के लिए और हमेशा आपके लिए काम करूँगा फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियोज में आज शॉर्ट वीडियो था थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू बाय గుడ్ నైట్